दोस्तों जिस तरह से ईशान किशन के आउट होने के बाद हारिस रोब ने अनाप शनाप बकते हुए उसको गाली तक दे डाला, उस पर क्या प्रतिक्रिया है विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा एमएस धोनी तक का, महेंद्र सिंह धोनी ने यहां तक बताएंगे आपको इस वीडियो में कि हारिस रोब और ईशान किशन में ऐसा क्या हुआ कि ईशान किशन अपना बैट लेके पहुंच गए हारिस रोब को मारने के लिए और हारिस रोब गाली गलौज स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इस पर बड़े बड़े दिग्गजों का क्या कहना है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एशिया कप का और आने मुकाबला होना है उसमें कौन जीतेगा, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। और एशिया कप अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम जीते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि भारतीय टीम जाना जाता है अपने संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए, और ईशान किशन ने लगातार अपने बैटिंग से ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो चाहे टीम पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों कल के मैच में कुछ यूं हुआ कि जैसे ईशान किशन लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और किसी के आउट होने के बाद हारिस रोब अपना एग्रेशन दिखाते हुए, अपना रिएक्शन दिखाते हुए टीम उसको ये बोल रहा था ईशान किशन को कि अब मैदान से बाहर जाते, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं पाकिस्तानी टीम और भारतीय टीम में कितना भाईचारा है और कितना दोस्ती है, दोस्तों आपका स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों ये है भारतीय और पाकिस्तानी टीम, चलिए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं।